नमस्कार, सिरी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। देश में दो रोग इस समय बहुत तेजी से फैले हुए हैं, एक तो कैंडी क्रश और दूसरा सेल्फी। अर्थव्यवस्था और आयुर्वेद से इसका क्या कनेक्शन है, ये बताने के लिए आज हमारे साथ हैं काले धन और काले बालों के स्पेशलिस्ट स्वामी रामदेव जी। स्वागत है आपका। प्रणाम भाई। स्वामी जी, आप ही की तरह मैं भी कैंडी क्रश खेलता हूँ, लेकिन मेरे पॉइंट नहीं बढ़ते हैं। 10-15 लाख मुझे भी दिला दीजिए ना। देखो, जो है कोई जो काम होता है ना, उसमें एक प्रोसीजर होता है। हम लोग जो है ना, खाली बात करते हैं ना, तो एकदम से ऐसे करने लगते हैं। आप 15 लाख की बात सोच रहे हो, मैं तो उससे ज्यादा दिलाने की कोशिश करूंगा। सुना है आपके पॉइंट्स बाहर भी देशों में एक्सपोर्ट होने लगे हैं। 100 लाख करोड़ तो बाहर गए ना, उसको लेकर के कोई उसमें संदेह नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पर भी एक इस बात के लिए सहमति बन रही है। अच्छा, दिया किसको है ये तो बता दीजिए। दिक्कत क्या होती है कि वहाँ नाम तो होते हैं लेकिन बता के नहीं देते। ये पॉइंट्स बनाने के लिए आपने काफी मेहनत की होगी। नहीं, 67 साल हमने इंतजार किया। 5 साल तक मैंने रामलीला मैदान से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में उसके लिए अलग जगह ही है। हाँ, लेकिन रामलीला मैदान में अलग से जागे लोग कहते हैं आप पर सलवार सूट बहुत सूट करता है। अपना परसेप्शन थोड़ा ठीक करो, आप थोड़ा कपाल भाते मिलूं क्या करो। हाँ, वो तो मैं रेगुलर करता ही हूँ, लेकिन आप तारीफ से इतने ज्यादा खुश हो गए हैं कि ढेर सारे सूट ले लिए हैं। देखिए, ये मतलब जो साफ गोई है मेरी विवाह की है, फकीर आदमी हूँ। अरे फकीर पर तो मोदी जी का कॉपीराइट है ना, इधर आपकी उनसे कब से बात नहीं हुई है। मोदी जी ट्रांसपेरेंट आदमी है। मैंने एक दिन फोन किया, मिला भी हूँ मैं तो, दो बार मिला हूँ, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मिला हूँ, फोन पर भी बात होती है, अभी भी बात हुई है। तो क्या बोले वो? मैंने पूछा कैसे हो मोदी जी, बोले पहले जैसा हो। समझिए, मोदी जी को आप सेल्फी क्लासेस दे रहे हैं आजकल, कैसी परफॉर्मेंस है उनकी? मुझे तो ऐसा लगता है जवानों को भी उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। नहीं नहीं, फिगर्स में बताइए कितने नंबर देंगे। देखिए, मोदी जी को तो 100 के 100 नंबर। नंबर वंबर तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि उनकी ट्रेनिंग कैसे करवाई? उनसे भी कहा था भाई, एक जो प्रोसीजर है उसको तो अडॉप्ट कर लो। ये प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राखी सावंत कभी बयान देते हैं कि आपसे शादी करना चाहती हैं, कभी वो मोदी प्रिंट वाली ड्रेस पहन लेती हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मोदी जी भी इस बात से बेहद दुखी हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अब इस तरह की कोई गलत बयानबाजी नहीं होगी, इससे इंटरनेशनल लेवल पर भी छवि गड़बड़ होती। अच्छा, केजरीवाल जी रेगुलर फिल्में देखने जाते हैं, मोदी जी नहीं जाते, उनको किसी किस्म का डर है क्या? कोई डर नहीं रहे। मोदी जी को किस बात का डर है, किसका डर है, क्यों डरे? अरे आप तो गुस्सा हो रहे हैं, आप हमेशा कहते रहते हैं करने से होगा, करने से होगा। किसी ने ये नहीं पूछा क्या करने से क्या होगा? नहीं, पूछते हैं, फेसबुक पे पूछते हैं, ट्विटर पे पूछते हैं, मेरे बहुत फैंस हैं। अच्छा, आप छोटे सवाल, अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बताइए। मैंने अपने योग शास्त्र के बाद सबसे बड़ा जो वक्त लगा है अर्थशास्त्र में। वाह, तो अंग्रेजी के 2-4 भारी भारी शब्द बताइए। देखो, टैक्स जस्टिस नेटवर्क है, ग्लोबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, और तमाम दूसरी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप किस आदमी भरोसा नहीं कर सकते हैं, चाहे वो गंगा में खड़ा हो। जो आदमी 18 से 20 घंटे ईमानदारी से काम करते हैं ना। अच्छा, जाते जाते एक जोक सुना दीजिए। देखिए, मोदी जी के राज में योग के अच्छे दिन आए हैं, आयुर्वेद के अच्छे दिन आए हैं, भारतीयों के भी अच्छे दिन आएंगे। तो ये थे देश के सुघोषित पूर्व वित्त मंत्री रामदेव जी। सिरी बात में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए dlalandtop.com।